उत्तराखंड के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र के नए कक्ष का उद्घाटन किया है। इस दौरान धन सिंह रावत ने कहा कि जन औषधि केंद्र में 25% से लेकर 80% तक सब्सिडी भारत सरकार फ्री देती है। प्रदेश में जितने भी मेडिकल कॉलेज हैं और जिला हॉस्पिटल हैं, सभी जगहों पर जन औषधि केंद्र खोले जाएंगे ताकि गरीब लोगों को राहत मिल सके। उन्होंने यह भी कहा कि हमारे प्रदेश में 270 से अधिक जाँच फ्री है। इसके अलावा दवाइयाँ भी फ्री है, लेकिन फिर भी कुछ दवाइयाँ लोगों को बाहर से खरीदनी पड़ती है। जन औषधि केंद्र खुल जाने से लोगों को बाहर से दवाइयां नहीं खरीदनी पड़ेगी, उनको काफी राहत मिलेगी। देहरादून से ब्यूरो चीफ अवनीश गुप्ता की रिपोर्ट। रेड क्रॉस संस्था के द्वारा हमारे मेडिकल कॉलेज में जन औषधि केंद्र का शुभारंभ किया गया है और अभी तक रेड क्रॉस के पास 4 जनऔषधि केंद्र हो गए। यहाँ पे 25% से लेकर 80% तक की दवाइयों पे सब्सिडी भारत सरकार भी देती है और मैं कह सकता हूँ कि अब हमारे जितने भी मेडिकल कॉलेज हैं और डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल हैं वहाँ पे अब सभी जगह हम जनऔषधि केंद्र खोल लें ताकि गरीब लोगों को बड़ी राहत मिलने का काम हो जाएगा। वैसे तो हमारे राज्य में 270 जाँचें फ्री हैं, दवाइयाँ भी फ्री हैं, आयुष्मान में इलाज भी सबका फ्री, लेकिन फिर भी कई दवाइयाँ ऐसी जो कि मरीजों को बाहर से खरीदनी पड़ती थी वो अब हमारे जन औषधि केंद्र से सबको मिल जाएगी।